हैदराबाद में महिला के साथ हुए सामूहिक बलात्कार एवं निर्मम हत्या के विरोध में एबीवीपी द्वारा दमन नगर में विरोध प्रदर्शन किया गया एवं श्रद्धांजलि दी गई। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केंद्र शासित प्रदेश दमन इकाई द्वारा हैदराबाद में महिला के साथ हुए सामूहिक बलात्कार एवं निर्मम हत्या के विरोध में एबीवीपी के द्वारा सरकारी कॉलेज दमन से लेकर दमन मशाल चौक तक एक रैली का आयोजन किया गया और मशाल चौक पर विरोध प्रदर्शन कर प्रियंका रेड्डी जी को श्रद्धांजलि दी गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर के सामूहिक बलात्कार एवं जिंदा जलाकर की गई निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करते हैं तथा दोषियों को मृत्युदंड देने की भी मांग करते हैं। पुलिस द्वारा कार्यवाही में जो ढिलाई बरती गई है तथा सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था न होने को पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। तेलंगाना सरकार के गृह मंत्री द्वारा दिया गया बयान उनकी संकुचित मानसिकता को दर्शाता है। आरोपियों पर शीघ्र ही कड़ी कार्यवाही करने के स्थान पर मृत डॉक्टर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना अत्यंत ही चिंताजनक है। तेलंगाना के गृह मंत्री का ये कहना है कि लड़की ने घर वालों को फोन क्यों किया, पुलिस को क्यों नहीं। उनका यह वाक्य ही तेलंगाना प्रशासन और सरकार की महिला संबंधित मानसिकता को प्रकट करता है। एबीवीपी दमन का कहना है कि यह अत्यंत ही चिंतनीय है कि एक महिला जो कि किसी व्यक्ति से मदद की अपेक्षा कर रही हो, सहायता के स्थान पर उसके साथ सामूहिक बलात्कार एवं जलाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे कुंठित लोग समाज में रहने योग्य नहीं है। सरकार एवं न्यायालय इस घटना के आरोपियों को मृत्यु दंड दे जिससे समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत हो, ये एबीवीपी की मांग है। ये कार्यक्रम में दमन के विभिन्न कॉलेज जैसे दमन सरकारी कॉलेज, दमन इंजीनियरिंग कॉलेज, दमन पॉलिटेक्निकल कॉलेज के विद्यार्थियों एवं दमन के युवाओं ने बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। कुछ दिनों पहले हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ जो बलात्कार हुआ, तो ये बलात्कार के विरोध में हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध कर रहे हैं और साथ में श्रद्धांजलि भी हमने व्यक्त की है। आज हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दमन से दोनों कॉलेजों से स्टूडेंट हमने यहाँ पे कॉलेज से लेकर मशाल चौक तक हम लोग ने विरोध दर्शाया और साथ में मशाल चौक पे श्रद्धांजलि अर्पित की। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में हम मांग कर रहे हैं इन बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इनके ऊपर और फांसी दी जाए, ऐसी हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करती है।